एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। और यहाँ पर हम सुबह में प्रेस कर रहे थे क्योंकि ये ना हम दिन में नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि हमको आलस आता है, इस वजह से प्रेस नहीं हो पाती। और आज से 3 दिन हो गए प्रेस नहीं हो पाया। तो ये देखिए, अयान सुबह उठ गया था जल्दी, क्योंकि इसके पापा जल्दी उठ जाते हैं तो ये जल्दी उठ जाता है, और पापा अगर आलस करते हैं तो ये नहीं उठता है। तो यहाँ पर अयांश उठ गया था और पापा इसके छत पे टहल रहे थे, तो वो ये भी टहल रहा था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रेस किया, क्योंकि सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए। और शाम को फिर कथा आती है गुरु जी की, तो फिर मैं कथा सुनने लग जाती हूँ इसकी वजह से। तो मैंने कहा सबसे पहले प्रेस करती हूँ, फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, 4 या 5 शर्ट थी और पेंट थे। कॉटन की शर्ट में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर पोछा, और ये जल्दी से मैंने पोछा लगाया। पुष्पा जी तब तक नहा रहे थे, क्योंकि वो जल्दी से नहा लेते हैं तो तब तक वो मंदिर वगैरह साफ़ करते हैं, तब तक मैं क्या करती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। और जब मैं लगाती हूँ तो मैं इस तरीके से ही लगाती हूँ, फिनाइल वगैरह डाल के बाल्टी में। और वो अगर लगाते जिस दिन मैंने झाड़ू लगाया ना, और फिर मैंने उनको बोल दिया कि आज पोछ दो, जैसे गुरुवार हो गया तो गुरुवार को ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाते हैं, लगा लेते हैं पोछा इसलिए क्योंकि घर में ही लेटरिन बाथरूम है ना, तो पैर इधर से उधर होते हैं। और फिर उसके बाद बच्चे भी, अभी बच्चा बड़ा हो गया तो फिर वो बाहर भी जाता है, तो इसकी वजह से पोछा लगा लेते हैं, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो गुरुवार को क्या है, गुरुवार को मैं बोल देती हूँ कि जो मॉप है उससे पोछ दो, तो हल्का हल्का, अच्छे से नहीं लगाती हूँ, और वैसे तो इससे ही लगाती हूँ। तो फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, पोंछा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर ना बालकनी में पानी डाल के धुल दिया। और मैं ना बालकनी में पानी डाल के ही धुलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हवा लगती है तो ठंडा ठंडा थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पुष्पा जी जल चढ़ाकर आ गए थे, और जल चढ़ाने के बाद ना थोड़ी देर 10-5 मिनट रुक के ना ये पैर धुल लेते हैं, क्योंकि ना नंगे पैर जाते हैं तो बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। लोग रोड पर ही पानी फेंकते हैं, थूकते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इसकी वजह से पैर धुल लेते हैं। फिर उसके बाद मंदिर में पूजा कर रहे थे वो, और मैं ये बर्तन धुल रही थी, रात के बर्तन इतने हो गए थे। कैसे हो गए बर्तन, ये जो चाय की भगोनी है, ये मेरा कल व्रत था गुरुवार का, तो ये चाय की भगोनी रखी रही, मुझे ध्यान में नहीं रहा, ढकी हुई रखी थी। और गिलास तो हो ही जाते, एक मेरा हो गया, एक अयांश का हो गया, एक अयांश के पापा का हो गया, और एक दो कटोरी ये हो ही जाती है। और मैंने रात में ना मटरी बनाई थी, तो मटरी में ये कटोरा बटोरा, ये अयांश ने मटरी खाई थी, तो मैंने ये सारे धुल दिए। और धुलने के बाद अगर मैं काउंटर पर यहाँ पर रख दूँ ना बर्तन, तो भी मैं सुबह सारे धुलती हूँ, क्योंकि रात में मुझे भरोसा नहीं रहता है कि कॉकरोच आया या छिपकली आई। तो यहाँ पर ना गैस साफ़ कर रही हूँ, ये कढ़ाई रात की ही रखी थी, नीचे रखी थी प्लेट से ढकी हुई, तो प्लेट को मैंने निकाल दिया है।
रखा था, कढ़ाई रखी थी और तेल की, तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट से इसका तेल निकाल लिया मैंने और छान लिया तेल को, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा रवा की बनाई थी ना मैंने, रवा और मैदा की, तो इसकी वजह से। और आज आलू नहीं डालूंगी पत्ता गोभी में, क्योंकि आलू है ही नहीं तो क्या डालूँ। और आलू नहीं थे इसकी वजह से ना, ये 4-5 दिन से रखी हुई थी फ्रिज में, और मैं सोच रही थी कि आलू आ जाएं तब मैं बनाऊं, क्योंकि आलू आ जाते ना तो मैं उबाल के बनाती, जो कि मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती थी उबाल के, फिर ऐसे फ्राई कर लो, तो उबाल के तो नहीं बना रही हूँ, ऐसी ही बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने मसाला पीस लिया फटाफट से, प्याज और टमाटर, टमाटर ऐसे मैंने काट के नहीं डालने हैं तो मैंने इसीलिए पीस लिए हैं। और ये शाम को ही सब्जी कट करके रखी थी मैंने, जब मैं कथा सुन रही थी, गुरुजी की कथा कल से शुरू हो गई शिवपुराण, तो वो सुन रही थी, सुनते सुनते मैंने ये कट कर लिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं कर लेती हूँ और कैमरे में मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ, नहीं तो कभी फ़ोन मोबाइल चार्जिंग पर लगा होता है, तो इन केस ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो ये थाली ढकी हुई थी तो इसको मैंने धुल लिया अच्छे से, क्योंकि थाली पर भी भरोसा नहीं है कि कुछ कीड़े मकोड़े आए। तो ये जो तसले में रखी थी ये मैंने ढाँक के रखी थी अच्छे से, तो गर्म थी इस वजह से डिब्बे में नहीं भरी। तो मैं खुशबा जी को बोल रही थी कि अभी ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए जल्दी से, नहीं तो ये देखो इसको मौका मिला तुरंत भग के ले गया। मैंने कहा बेटा इतनी सारी एक साथ नहीं खानी है, इसको भर के रख दो, दो चार खानी है। तो फ्रेंड्स ये देखो, नीचे कर अंश, क्या दिखा रहा है पापा का। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये लेटे हैं और मुझसे बोल रहे हैं काम कर अपना, क्यों अगर एक दिन आप रोटी बना लो तो नीचे करो, दिखा रही हो अपनी जवानी, क्या दिखा रहे, गंदी बात। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये यहाँ पर टाइम पास चल रहा है इन दोनों का, और उधर टीवी चालू करके रख दी, टीवी बिल नहीं आएगा पागल। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, जो कि ये सब्जी बन चुकी है पूरी तरीके से, इसमें आलू नहीं डाले हैं मैंने, बिना आलू के पत्ता गोभी, अरे पत्ता गोभी, हाँ ये आटा लगा लिया है। अब मैं बना रही हूँ इसकी रोटी, क्योंकि आई एम लेबर। तो फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, और अभी मैंने कुछ किया नहीं है मुंह पे, क्योंकि पहले इनको निकाल दें खाना पीना बना के, क्योंकि अभी मैं लेबर हूँ, ये व्यक्ति जाएगा ना ऑफिस, उसके बाद फिर मैं बन जाऊंगी रानी, इस घर की रानी, शाम 7 बजे तक फिर मैं लेबर। वाह 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 बॉस, क्या कविता कही है, देखो स्माइल दिखाऊं इस बंदे की, वाह बॉस। 9 बजे तक मैं लेबर, उसके बाद रानी, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी लगाओ मुंह पे क्रीम पाउडर, और 7 बजे तक आई एम रानी, फिर उसके बाद नौकर रानी। बॉस क्या कविता कही है, अयंश बोलना, बॉस क्या कविता कही है, ये क्या दिखा रही हो ये छी। तो फ्रेंड्स कुशबा जी ने ना कुछ ऐसा शब्द बोला था ना जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती, मैंने वो कट कर दी वीडियो, वो ना सिर्फ 15 मिनट रह गए थे, मैं बोल रही थी जाओ रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रोटी बन गई है खा लो, तो नहीं सुन रहे थे, मैं ये बोल रही थी कि रोटी बना रही हूँ मैं फटाफट से खा लो, तो नहीं सुन रहे थे। तो फिर मैं ऐसे ही बात करने लगी, और उन्होंने ऑन कैमरा ऐसा शब्द बोला ना तो मैं उसको नहीं लाना चाह रही थी कैमरे पर, तो और क्योंकि फिर जात पात को लेके हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ना मैं रोटी फटाफट से सेकूँगी, और आज मैं रेडी इसलिए नहीं हुई हूँ क्योंकि मुझे रेडी होने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगता, और फिर कुछ बजी चिल्लाते, और ये ड्रेस ना मैंने जल्दी से पहन ली, अब मैं इसको ना रात में ही पहना करूँगी, दिन में नहीं पहनूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो मेरे पास सूट वगैरह रखे हैं वो किस लिए रखे, इसलिए मैं सोचती हूँ दिन में पहना करूँ, लेकिन गर्मी इतनी पड़ती है कि मन ही नहीं होता। और अभी मैंने पूजा वगैरह भी नहीं की है, सिर्फ जल चढ़ाया है, महादेव को नहीं चढ़ाया, घर पे चढ़ा दिया, अब मंदिर नहीं गई। तो यहाँ पर ना मैं चाय बना रही हूँ, कुछ बजी चले गए थे, और अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा हाथ पैर में कुछ लगा लो क्रीम पाउडर तो थोड़ा सा हाथ पैर अच्छे लगते हैं दिखने में। तो यहाँ पर मैंने अयांश को दी थी मटरी खाने को, तो उसने खा ली, मैंने सब्जी रोटी रख दी, अब चाय बना रही हूँ, और बर्तन भी मेरे फाइनली धुल गए हैं सारे। तो यहाँ पर कढ़ाई वगैरह भी मैंने धुल दी एकदम चमक
चमका दिए और ये देखिए सारा कुछ क्लीन हो गया है। और यहाँ पर ना ऐसे पानी तो चलता ही रहता है, अयांश तो 10 बार हाथ पैर धुलते हैं, पैर धुलेगा बाथरूम में और हाथ इधर ही धुलेगा, नहीं तो कभी कभी बाथरूम में ही धुलता है। तो यहाँ पर कढ़ाई भी चमका दी मैंने, थोड़ा सा वो डाल के, पीतल के बर्तन चमकाते हैं ना वो डाल के, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये देखिए बालकनी में आज कपड़े नहीं धुले, क्योंकि ना मैंने सोचा था कि यहाँ धुलूँगी लेकिन पानी चला गया, तो मैं कल धुलूँगी शनिवार को, और सुबह सबसे पहले कपड़े ही धुलूँगी। पुष्पा जी के तो नहीं है, उनके तो प्रेस वगैरह हो गई कपड़ों पर, मेरे ही कपड़े हैं तो मेरे 2-3 दिन के पड़े हैं, तो गुरुवार को मैं धुलती नहीं हूँ, तो मैंने कहा आज धुलूँगी, पानी चला गया, अभी लेट हो गया, अब नहीं करूँगी मैं काम। तो यहाँ पर 10:15 बज गए, अयांश देखो क्या कर रहा है, टीवी सुन लीजिए। टीवी तो ये देखो टीवी देख रहा है मोटू पतलू, बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बाय बाय।